हेलो फ्रेंड्स, गणित यानी मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट ही है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक समभुज त्रिभुज का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? पाई बराबर 22/7 लेना है। ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसको। तो मान लेते हैं यह एक ए बी सी वाला समभुज त्रिभुज है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि चारों भुजाएं, सॉरी तीनों भुजाएं इसका बराबर हो जाएंगी। तो ए मान लिया, और एक वृत्त का बात है तो मान लेते हैं यह एक वृत्त है जिसका रेडियस जो है वो आर हो गया और इसका केंद्र है ओ। तो यहाँ पे है जो परिमाप है वो बराबर होना चाहिए परिधि का, यानी कि त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह बराबर होगा वृत्त की परिधि के। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, और त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को, यानी कि 3a। ये हो गया। अब हम लोग इसको करते क्या है, पहले ही यहाँ पे दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 3a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2πr का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4π² r² ये। अब हम लोग करते क्या है, क्षेत्रफल का बात है तो पहले अनुपात है, तो पहले हम लोग करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में, यानी बट्टा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज क्या है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, तो वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल तो वो होता है πr² ये। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को रखते हैं, तो √3/4 a² a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय πr² ये हो गया। अब इसको हम लोग इस प्रकार इधर बनाते हैं, तो √3/4 a² यानी कि इस a से इधर निकालते हैं तो 4/9 πr² हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों का क्या है, नीचे में, तो नीचे में है हम लोगों का πr² ये तो है ही। तो अब देखते हैं इसको, तो ये हम लोग काटेंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का निकल जाएगा √3/4 × 4/9 × 22/7 ये आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग अब सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, तो ये आ जाएगा 22/21√3 ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सही से सीधा सीधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 22/21√3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो पाई एक बचेगा यहाँ पर, फिर ये हम लोगों का कटेगा, तो इस प्रकार से ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल एक समान है, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है? ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे है पहले वृत्त का बात कर रहा है, तो मान लेते हैं ये वो केंद्र वाला वृत्त है जिसका रेडियस आर है, और एक वर्ग है, तो यह ए बी सी डी एक वर्ग है, इसका जो है क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग अगर है तो ये बराबर है, तो इसको चारों भुजाएं बराबर हो गया है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल समान है कह रहा है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह हुआ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया हम लोगों का πr², और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालते क्या हैं, तो यहाँ पे पाई को पाई ही रहने देते हैं, ये ए स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं एक साइड में, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो ए है। अब इसको हम लोग अगर करते हैं तो ए बट्टा आर का पाई बट्टा एक, और ये जो स्क्वायर है इसको अगर हम लोग इस पार करते हैं तो ये अंडर रूट में चल जाएगा। अब इसको देखेंगे ए बट्टा आर है, तो ये पाई तो पाई ही रहेगा, ये रूट में रह जाएगा और नीचे में एक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया, तो भुजा देखिए ये और त्रिज्या का ये हो गया, तो अनुपात अब यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, अनुपात बराबर हो गया √π अनुपात
वन, ये है ऑप्शन, आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ये सी है इसका राइट आंसर। तो इसको इस प्रकार से बनाना है, आसानी से इसको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी वृत्त की पी क्यू और आर एस जीवाएं जब बढ़ाई जाती हैं तो ओ बिंदु पर मिलती हैं। यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और ओ एस बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो जीवा आर एस की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन भी दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सर्कल वाले में देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाना है, वो मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वृत्त का बात कर रहा है, तो मान लेते हैं यह एक वृत्त है और इसमें जो है पी क्यू है, ये पी क्यू एक जीवा है, साथ साथ एक आर एस जीवा भी है। तो मान लेते हैं यह आर और एस जीवा है, इसको जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये इस प्रकार से ये ओ बिंदु पर मिल जाती है। अब यहाँ पे जो लंबाई दिया हुआ है पी क्यू का दिया है लंबाई ये 6 सेंटीमीटर है, ओ क्यू का जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ओ एस जो है ये ओ एस है वह 7 सेंटीमीटर है। तो आर एस जीवा की लंबाई निकालना है, यानी कि इसका निकालना है। तो इसको किस प्रकार से बनाना है वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम लोगों को सबसे पहले जो है बाहरी वाला पॉइंट जो है वहाँ से देखना है, तो सबसे पहले हम लोगों को सामने वाला देखना है, उसके बाद में फिर एक ही बार में दूर का देखना है। इसमें भी उसी करेंगे कि इस पहले सामने देखेंगे उसके बाद सीधे एक ही बार में दूर देखेंगे, ये मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बताया था। तो यहाँ पर उसी प्रकार से करते हैं, तो ओ क्यू सबसे पहले देखते हैं, ओ क्यू इंटू सीधे एक बार यहाँ से ओ पी देखेंगे, ओ पी, और ये बराबर होता है क्या, ओ एस, ओ एस मल्टीप्लाई ओ आर, ये हो जाएगा ओ आर, ये निकल गया। अब इसमें सारे के सारे वैल्यू रख देते हैं, तो ये देखिए ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 8, ओ पी का अगर देखेंगे यहाँ से है तो 8 और 6 14, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट हम लोग एड करके करेंगे। ओ एस का देखेंगे तो ओ एस यहाँ पे हम लोग का 7 है और ओ आर कैसे निकलेगा, तो ओ आर के लिए हम लोग निकलेंगे ओ एस प्लस, यहाँ पे ओ एस प्लस एस आर, हम लोग ये कर लेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करते तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये 16 निकल जाएगा, ओ एस प्लस एस आर का वैल्यू 16 हो गया है। अब इसको ओ एस हम लोग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16 बराबर 7 प्लस एस आर, या तो फिर आर एस हम लोग लिख सकते हैं इसको। इसको जब हम लोग इस पार करेंगे तो यह 9 निकल जाएगा और ये आर एस या तो फिर एस आर, तो इसी को हम लोग को निकालने के लिए कहा था 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह 9 सेंटीमीटर है। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया वो किस प्रकार से देखना है। तो बाहरी बिंदु से हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सामने देखेंगे एक बार, उसके बाद में एक ही बार सीधे दूर का देखेंगे, उसी प्रकार से दूसरे वाले जीवा तरफ में भी हम लोग इसी करेंगे, पहले सामने देखेंगे और सामने से फिर एक बार में दूर देंगे, तो हम लोगों को आसानी से अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो एक वृत्त के केंद्र की अन्य 2 वृत्तों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा से दूरी कितनी होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 6√5, 6√3, 6√2 और 6√7। ये क्वेश्चन है जो सर्कल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है 3 वृत्त का बात कर रहा है और सभी की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर करके है, तो मान लेते हैं यह एक सर्कल बन गया है। उसी प्रकार से फिर एक सर्कल को अगर हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं और एक सर्कल है ये भी आपका, तो इस प्रकार से 3 सर्कल बनेंगे और इसका हम लोगों ने नाम दे दिया ए बी और सी। अब इसमें जो है जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और केंद्र जो है, तो हम लोग सबसे पहले सारे के सारे को मिलाते हैं, यह एक त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा और सबका सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है त्रिज्या वह 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ भी ये 6 सेंटीमीटर, इधर भी ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 6 सेंटीमीटर, फिर ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि एक वृत्त के केंद्र की अन्य 2 वृत्तों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा से दूरी, यानी कि हम लोग इसको अगर इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक हिसाब से यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा, और इसका जो केंद्र है इसी को मिला रही है ये एसी भुजा, और यहाँ पे कह रहा है देखिए साफ साफ जो 2 वृत्तों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, तो ये जो 2 वृत्त के केंद्र है इसको ये रेखा मिला रही है, तो यहाँ से इसका जो है इस वाला डिस्टेंस को ही निकालने के लिए कह रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग ये जो पॉइंट है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया डी पॉइंट। अब हम लोग को एडी का डिस्टेंस को निकालना है, तो देखिए ये है
हमारा इस प्रकार से फोटो बन गया है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ए डी और बी त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में बात करते हैं, तो ये हमारा लंब हो गया, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब देखिए ए डी का निकालना है, ये स्क्वायर करते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 और ये 6, 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, तो 12 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर ए डी कितना हो जाएगा, इसी ए डी को तो निकालना है हमें, तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी कितना है, तो बी डी 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ये 144 बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 36, ये जैसे इसको हम लोग इस पार करते हैं तो ये हो जाता है 108, तो ये 108 आ जाता है ए डी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा हम लोगों का 6√3 बराबर ए डी, जब इसको हम लोग रूट में निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 6√3, क्योंकि ये इस प्रकार से आया है ए डी बराबर आ जाएगा √108, तो यहाँ से 6√3 आप लोगों का वैल्यू आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं 6√3 करके है। तो ये जो है इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनेगा, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको इस त्रिभुज के हिसाब से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये जो है त्रिभुज का बात कर रहा है, तो मान लेते हैं हम लोग ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, और इसका जो केंद्रक है जी है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को केंद्रक किया है, परिकेंद्र किया है, ये सारी चीज़ें बताया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके मैथ्स वाले सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो है केंद्रक जी है, तो हम लोग सारे के सारे को इस प्रकार से मिला लेते हैं हम लोग, और ये जो पॉइंट होता है वो हम लोगों का जी होता है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से है, और इसका जो नाम है हम लोगों ने दे दिया ए बी सी डी ई और एफ, और ये जो है केंद्रक है जी। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह टोटल 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है जीबीसी का, तो जी बी और सी यानी कि इस वाले ट्रायंगल को हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये। तो देखिए ये जो हम लोगों का त्रिभुज बनता है इस प्रकार से, अगर ये केंद्रक होने के बाद में देखते हैं, तो अगर हर पार्ट का देखते हैं तो वह त्रिभुज का जो है टोटल कोई भी पार्ट ले लेंगे तो वह होता है 1/6 टाइम होता है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का 1/6 टाइम होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे जो है बी जी सी का देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दो त्रिभुज का बात कर रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे दो त्रिभुज है, यहाँ पे दो त्रिभुज है और यहाँ पर भी दो त्रिभुज है, तो ये टोटल कितना बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जो टोटल वाला जो बड़ा त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा उसका, यहाँ पे दो त्रिभुज बन के एक, फिर यहाँ पे दो त्रिभुज बन के एक, और यहाँ पे दो त्रिभुज बन के एक हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बार, टोटल 3 बार हो रहा है, तो इसका 1/3 टाइम कर लेंगे, यानी कि 1/3 टाइम ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का करेंगे, तो हम लोगों का जो है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये आप लोग कैसे कर लेंगे, तो ये हो गया। अब इसलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज एरिया एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी सी, यानी कि जी बी सी भी बोल सकते हैं इसको, तो जी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका 1/3 टाइम हो जाएगा, 1/3 टाइम ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये हो जाएगा। तो इसका 1/3 टाइम ऑफ, ये कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, तो 60 कर लेंगे, तो हम लोगों का जो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर कोई एक त्रिभुज का निकालने के लिए कहेगा, जैसे कि ए जी ई का निकालने के लिए कहेगा, तो ये 1/6 टाइम ऑफ टोटल बड़ा एरिया का, यानी कि ए बी सी का हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई यहाँ पे दो त्रिभुज का मिल करके बना हुआ है, तो इसी कारण से ये एक भाग, फिर यहाँ से दो भाग और यहाँ पे 3 भाग हुआ, इसलिए 1/3 टाइम्स हम लोग कर लिए हैं। तो आपको इस प्रकार से इसको आसानी से बना लेना है। अगला क्वेश्चन है, माना कि दो त्रिभुजों का शीर्षलंब 4:5 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 है, उनके तदनुरूपी आधार का अनुपात क्या होगा। तो ये आधार निकालने के लिए कह रहा है,
तो ये दो त्रिभुजों का बात है, ये दो त्रिभुज का बात है, तो इस प्रकार से मान लेते हैं ये दो त्रिभुज हैं और इसके जो है एरिया जो दिया हुआ है वह 3 और 2 के अनुपात में दिया हुआ है, और इसका जो शीर्षलंब है वह 4 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो मान लेते सबसे पहले इस त्रिभुज का बात करते हैं, उसके बाद में इस त्रिभुज का, जो इस त्रिभुज का नाम हम लोगों ने दे दिया ए और इस त्रिभुज का नाम दे दिया हम लोगों ने बी। तो यहाँ पे त्रिभुज ए का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज बी का क्षेत्रफल हम लोग करते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ये आपका आधार ही सब नहीं, यही ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया था, ये एरिया वाला बात है, ये भी एरिया वाला बात है। तो ये आधार इंटू ऊंचाई हो गया। तो मान लेते हैं इसका जो है आधार, उसको हम लोगों ने ए त्रिभुज है तो आधार ए, और ऊंचाई जो है उसका भी ऊंचाई ए कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/2 गुना आधार इसका भी बी कर लेते हैं, आधार बी इंटू इसका ऊंचाई बी कर दिए। अब है, अब त्रिभुज ए का जो अनुपात है वो कितना था, 3 था, और नीचे में क्या होगा, ये 2 हो जाएगा दूसरा वाला त्रिभुज का, ये 1/2, तो ये हम लोगों का कट जाएगा। अब आधार ए इंटू ऊंचाई ए डिवाइडेड बाई आधार बी इंटू ऊंचाई बी हो जाएगा। अब इसको फिर से लिखते हैं, 3/2 बराबर आधार तो रहेगा ही हम लोगों का, आधार ए इंटू आधार बी, और ये मल्टीप्लाई कितना, ऊंचाई कितना दिया होता है, तो ये जो ऊंचाई है यानी कि शीर्षलंब जो दिया था वो 4 है, तो ये हम लोगों को 4 लिख लेना है, और इसका देखना है कितना, तो ये दिया था 5 दिया, तो ये हम लोगों को 5 लिख लेना है। अब हम लोगों को इसको इस पार से उस पार कर लेना है। तो देखिए ये आधार ए इंटू आधार बी को क्या करते हैं हम लोग, 3/2 लिख लेंगे। अब ये जो है 4 है, ये ऊपर में था तो ये हम लोगों का नीचे में आ जाएगा, और ये जो 5 था ये जो हम लोगों का जो है 5 ये ऊपर में आ जाएगा। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर आधार ए बट्टा आधार बी कितना आ गया, 15/8, यानी कि अनुपात में अगर हम लोग कहेंगे तो ये 15/8 आएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार ए से बी तक 40 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा करती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर की रफ्तार से लौटती है, संपूर्ण यात्रा में कार की औसत रफ्तार बताइए। यह है ऑप्शन भी दिया हुआ है, 48 किलोमीटर प्रति है 4, 50 किलोमीटर प्रति है 4, 45 किलोमीटर प्रति है 4 और 60 किलोमीटर प्रति है 4। तो ये जो है स्पीड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे जो है कोई कार है, तो ये ए है और ये पॉइंट बी है, और ये एक कार है जो कि इधर जाती है पहले, तो ए से जब बी जाती है वो तो 40 किलोमीटर प्रति है 4 की से जाती है, जब बी से ए की ओर जाती है यही कार, तो इस समय इसका जो स्पीड हो जाता है वो 60 किलोमीटर प्रति एचआर हो जाता है, और जो डिस्टेंस है ये हमारा कांस्टेंट है, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कांस्टेंट है ए से बी और फिर बी से ए, यानी कि जाना और फिर वापस आना। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन होता है तो वह जो औसत रफ्तार होता है वो क्या होता है, तो औसत रफ्तार या गति जो होता है वह होता है 2xy/x+y, और एक्स जो है वो पहली वाली और वाई वाला जो है वो दूसरी वाली। तो ये हम लोग मान लेते हैं एक्स हो गया, ये हो गया वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 40 × 60/40 और 60 को दोनों ऐड कर लेते हैं तो ये होता है 100। अब ये हम लोग काट लेते हैं तो ये हमारा निकल जाता है 48 किलोमीटर प्रति एचआर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिस्टेंस समान होता है जाना और फिर वापस आना, तो हम लोगों का जो फॉर्मूला लगता है औसत गति का वो होता है 2xy/x+y। तो आप यहाँ से इसको इस प्रकार से ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर यात्रा करती है और अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, तो बस की औसत चाल बताएं। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है जो पहले है वो 3 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है, यानी कि यहाँ पे दूरी जो है सबसे पहले दूरी निकालते हैं तो 150 किलोमीटर जाती है वो 3 घंटे में, और अगले 2 घंटे में वो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 2 घंटे में अगर 60 की स्पीड से जाएंगे तो हम लोग कितना चलेंगे, तो 120 किलोमीटर चलेंगे। तो ये भी हम लोगों का डिस्टेंस ही हुआ, तो ये दोनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर लेंगे,
तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया यानी कि कुल दूरी। और जो टाइम लगा वो कितना लगा, पहले जो वो 3 घंटे चलती है 150 किलोमीटर के लिए, और बाद में जो चलती है वो 2 घंटे से चलती है, यानी कि अगर हम लोग HR यानी कि घंटे की बात करते हैं तो 3 + 2 यानी कि 5 घंटे ये चला है। तो ये जो कुल समय है वो हम लोग कितना है, तो 5 घंटे हैं। अब हम लोग को पता है कि औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल जो होता है, औसत चाल जो होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम लोग यहीं पर इसको निकाल लेते हैं, कुल दूरी कितना हो गया ये जोड़ेंगे तो हम लोग का 270 किलोमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 5 HR। तब इसको हम लोग काटते हैं तो 5 और 4 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी जो है औसत चाल हो गई है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इसी को इस प्रकार से बनाना, सबसे पहले तो हम लोग उसका डिस्टेंस निकालेंगे और फिर जो टोटल टाइम लगा वो निकालेंगे और फिर औसत चाल में हम लोगों को दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो हम लोगों का जो सही उत्तर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर यहाँ सेंटीमीटर है, फिर यहाँ मीटर स्क्वायर है। तो ये ऑप्शन जो है उसको पूरी तरीके से ध्यान रखना। तो एक समभुज त्रिभुज है, तो मान लेते हैं यह है हमारा एक समभुज त्रिभुज यानी कि ABC। इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर है, तो ये इसका हाइट हो जाएगा, ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब ये हम लोगों का बन गया है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो ये ए ए और ए होगा क्योंकि ये समभुज है। तो यहाँ पर जो भुजा होती है समभुज त्रिभुज की जो भुजा होती है वो कैसे निकलती है, तो इसका जो सबसे पहले इसका ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई होता है √3/2 × 1 भुजा होती है। तो इसका जो ऊंचाई हम लोगों को पता है कितना दिया हुआ, तो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ, 18 बराबर हो जाएगा हम लोगों का √3/2 × a। अब ये हो जाएगा 36/√3a। अब a बराबर हम लोग का 36/√3, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों को आ जाता है 12√3 सेंटीमीटर आ जाता है एक भुजा की लंबाई। तो ये 12√3 एक भुजा की लंबाई हो गई है। अब हम लोग जानते हैं कि समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर ये होता है। तो अब वैल्यू को हम लोग रख देते हैं √3/4 × भुजा कितना निकला है, तो भुजा निकल गया है हम लोगों का 12√3 का स्क्वायर ये हो गया। अब इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो √3/4 × ये हो जाएगा हम लोगों का 12√3 × 12√3। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 108/√3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 से √3 √3 3 हो जाएगा और ये 12 12 के साथ में 4 कट जाएगा, तो हम लोगों का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 108√3 ये कितना आएगा, तो यह हम लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो है सबसे पहले सेंटीमीटर ही दिया था इसकी जो ऊंचाई है। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पे समभुज त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो √3/2 × भुजा होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अगले जो है वीडियोस में भी हम लोग कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एग्जामों के लिए, तो हो सकता है इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसको आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं।